हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और आपका इंस्ट्रक्टर। मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम काफ़ी सारी बातचीतें सीखेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं काफ़ी कुछ बिहाइंड द सीन्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरी नई वेबसाइट को चेक नहीं करा है तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही साथ आपको काफ़ी सारा फ्री स्टफ देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इन तीनों को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देगा, और वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम बेसिक एडिटिंग देखेंगे फिल्मोरा के अंदर। एंड पीछे के लेक्चर मुझे उम्मीद है आपने सारे अच्छे से देख लिए होंगे, एंड अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। एंड देन यहाँ पे मैं आपको बेसिक एडिटिंग एक्सप्लेन करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने तीन फुटेजेस लेके रखी हैं अपने लिए। एंड ये मैंने हाल ही में एक कीबोर्ड का रिव्यू करा था अपने मेन चैनल पे। तो अगर आपने मेरे टेक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, फ्री प्रमोशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है फॉर एग्जांपल ये वाली फुटेज देते हैं। एंड जैसे देख पा रहे हैं, जो मैं बता चुका हूँ 50 FPS पे फुटेज, तो बट इसमें प्री सेटिंग पे रख लेता हूँ 25 FPS पे। एंड मैंने इसकी ऑडियो पहले से कम कर रखी है। आप देखोगे यहाँ पे आपको ऑडियो के बस यहाँ पे झुरझुरे दिख रहे हैं, तो ये सब नॉइस है, फैन की नॉइस में रिकॉर्डेड है। तो और अब ये फुटेज जो है पूरी हमारी टाइमलाइन के अंदर आ गई, और इतनी बड़ी हमारी फुटेज है आप देख पा रहे होंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इतना जो पार्ट है वो फुटेज का बेकार है, मतलब यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा। फिर जो है यहाँ से कहीं से कुछ काम चालू हो रहा, मतलब मैं इसको सस्ता स्लाइडर बनाया था मैंने, तो इतना पार्ट मुझे अब हटाना है। तो जिसमें यहाँ से कट कर दूंगा, एंड ये कट हो गया। एंड इसे आप डिलीट बटन दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा। बट अभी से देख रहे हो राइट साइड का पार्ट डिलीट हो, वो इसलिए डिलीट हुआ राइट साइड का पार्ट क्योंकि ये सिलेक्टेड है। आपको बस इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है और फिर डिलीट बटन दबाना है, और फिर डिलीट हो गया। आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। और सपोजेड अगर आपको इस तरीके से नहीं, मतलब यहाँ पे हर बार इसको नहीं सिलेक्ट करना है, तो जस्ट आपको जैसे कि यहाँ तक मुझे चाहिए और यहाँ से मुझे डिलीट करना है, तो बस ये आप कैंची का मतलब ऊपर करेंगे तो नहीं आएगा, बट जैसे नीचे करोगे देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो डॉट्स आ चुके हैं या दो एरोज आ चुके हैं। यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे अपने आप ही इधर से कट कर देगा, एंड यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अब जैसे कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से नॉइस है, तो राइट क्लिक दबा के आप यहाँ पे इसको आपको ऑप्शन आएगा डिटैच ऑडियो, और ये इसकी ऑडियो अलग हो गई, वीडियो अलग हो गई। अब मैं ये वाली ऑडियो सिंपली डिलीट कर सकता हूँ, ये फुटेज कर सकता हूँ, और सिर्फ वीडियो चलेगा। तो मुझे इसका जो नॉइस वाला प्रिव्यू है वो देखने को नहीं मिलेगा। एंड प्ले हेड को मैं फिर यहाँ पर रख लेता हूँ, और इतना ही मेरा वीडियो है। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो हर बार कट्स कर सकते हो। अगर छोटा मोटा पार्ट आपको हटाना है तो ट्रिम कर, उसे ट्रिम कहते हैं। तो जनरल ट्रिम करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद यहाँ से देखो आप देख रहे होगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही। तो मैं इसको पहले फिट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से जो है हमारी हम फुटेज को ट्रिम कर सकते हैं। तो मैंने इतनी फुटेज ट्रिम कर ली। एंड अब सपोज दैट मुझे इसके आगे कोई फुटेज जोड़नी है, तो जैसे यहाँ प्लस दबाऊंगा एंड ये फुटेज इसके आगे आके अपने आप ऐड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे ये रेड लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो ये फुटेज है वो रेंडर्ड नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब जैसे कि मैंने लास्ट अपने टूल वाले वीडियो में बोला था, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रेंडर प्रीव्यू। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू कर दूंगा तो ये पूरी फुटेज या प्रीव्यू को रेंडर करके रख लेगा, एंड देन ग्रीन हो जाएगा। बट मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि उससे कैश मेमोरी, मतलब मेरी जो कैश है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, मेरी हार्ड डिस्क जल्दी फुल होगी, और फिलहाल मैं ये नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना डिसेंट सिस्टम है कि वो उसको चला सके इस तरीके से। तो खैर आप कर सकते हो, अगर आपका सिस्टम स्लो फास्ट नहीं है, स्लो है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बट हाँ, आपको हर बार अपनी हार्ड डिस्क को क्लीन करना पड़ेगा। खैर वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके क्लीन वगैरह करते हैं। और जैसे कि देख पा रहा हूँ ये यारी फुटेज है, तो मैं इसको अभी आपको देख रहा हूँ कि इतना गार्बेज एरिया है, एंड मुझे यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। तो बस यहाँ से मैं ऐसे करके ट्रिम भी कर सकता हूँ, और ये अपने आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हमने ऑटो रिपल ऑन करके रखा है। जब हम नहीं करेंगे तो ये जहाँ तक करेंगे उतना ही सिलेक्टेड होगा, और देख जैसे कि आप देख पा रहे हो तो इतने सेलेक्ट हुआ।
तो इसलिए मैंने इसको ऑटो लेबल ऑफ नहीं किया था, ऑन ही रखा था। तो ये इस तरीके से अपने आप टाइमलाइन के अंदर जगह बना ली है। अब सपोज दैट हमें कोई बीच के अंदर, इसके बीच में कोई फुटेज चाहिए, तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो अगर इधर करूँगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब इसके इसको फुटेज को, जो दूसरी फुटेज है हमारी कीबोर्ड की जहाँ नीचे रखा है, वो आगे चला जाएगा, और अगर मैं इधर रखूँगा तो इधर आ जाएगी। बीच में रखने के लिए देखो, आप देखो रहे हो बीच में ये आइकन आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो मैं जूम कर लेता हूँ, सॉरी। और आप ऑल्ट के साथ भी इसको अपने माउस व्हील को ट्रैक करके जूम कर सकते हो। तो और मैं जूम कर लेता हूँ अच्छे से, ओके। सो आई गेस आपको अब दिखेगा, ठीक है। और अब इसके बाद मैं इसको यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। देखो बहुत बारीक आता है बीच में, देखिए एक सेकंड के लिए आएगा बीच में। एक मिनट मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। जनरली तो आ तो जाना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई अभी ये आ क्यों नहीं रहा। तो बीच में रखने पे खैर ये अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा प्लेहेड के बीचों बीच, मैं इसको भी देखता हूँ आगे। बट एक चीज़ मैं आपको ओवर देता हूँ कि अगर आपको उसको फुटेज के ऊपर ओवरराइड करना है तो जनरली क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे पहले डाल के देखते हैं। ओके सो अब देखते हैं क्या हुआ इसने इसको। सो फिलहाल इसने इसको सरका के आगे रख दिया है, मतलब खसका के आगे रख दिया है हिंदी में शुद्ध बोलूँ तो। और अगर आपको इस फुटेज के ऊपर ओवरराइड करना है तो जैसे आपको क्या करना होगा, ऑल्ट के साथ आपको फुटेज को ड्रैग करना होगा, एंड ये उस फुटेज के ऊपर ही उसने ओवरराइड कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फुटेज के ऊपर ओवरराइड हो फिलहाल। तो ये बेसिक ऑप्शन है, आप इसको इस तरफ भी रख सकते हो, इसको इधर ऐसे करोगे तो देखिए यहाँ से कट करके ये इधर आगे करके चला गया। खैर हमको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये बेसिक यहाँ पे एडिटिंग हो गई है। अब सपोज दैट ये आपको दोनों चीज़ें आपने कर ली हैं। अब आपको कोई बेसिक मान लीजिए मेरे को एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ से टाइटल जैसे कि मैंने बोला था तो टाइटल्स ला सकता हूँ, और आप अपने लिए यहाँ जो भी आपको टाइटल पसंद आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई अच्छा सा टाइटल ले लेते हैं, हम ये वाला टाइटल ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इसको पहले। ओके तो डाउनलोड हो गया है, एंड ये टाइटल आप जहाँ चाहो वहाँ पर अपने टाइमलाइन में रख सकते हो। और जहाँ पे आप प्लेहेड ले गए तो ये हमारा टाइटल है। अब इस टाइटल को एडिट करने के लिए आपको जस्ट पे डबल क्लिक करना होगा, और देखिए कि आप यहाँ पे एडिटर खुल के आ गया हमारा। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड का नाम लिख देता हूँ, कीबोर्ड का नाम लिख देता हूँ KM540। सो दिस इज़ द कीबोर्ड, एंड ये वाला टाइटल जिस पे आपको यहाँ पे एडिट करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप इसे डिलीट करके तो एंड ई स्पोर्ट्स। सो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि ये हमारा हो गया। अब आप चाहते हो कि आप इसकी पोजीशनिंग चेंज कर दो, तो इस तरीके से आप पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो अपने प्रोग्राम या मॉनिटर विंडो के अंदर ही। और इसको आप जैसे कि मैंने बोला जूम इन जूम, हम तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। एक मिनट, जूम करने का ऑप्शन यहाँ था, ओके ओके जूम कर लेते हैं। ओके सो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने जूम कर लेते हैं, और इसको मैं हटा लेता हूँ, और ये पोजीशनिंग इसकी अच्छी हो गई, और इसकी पोजीशनिंग पहले से अच्छी थी, मुझे पसंद थी। तो ये पोजीशनिंग आपकी हो गई। अब मैं इसको फिट कर लेता हूँ, जूम लेवल फिट। सो आप जैसा कि देख पा रहे हो जहाँ पे आप इसको मतलब प्रेजेंट करना चाहो, तो आप इसका प्रीव्यू देख लेते हम लोग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, एंड ये इसने अपना एनिमेशन एक कर दिया है। और इसके आप जो लेंथ है उसको भी आप मतलब इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ड्यूरेशन को। तो इसकी ड्यूरेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट है उससे आप उसको घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, एंड ये काफ़ी अच्छा सा जो है। एंड इसके अंदर देख पा रहे हो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट वाले बेसिक जो इंस्ट्रक्शन हैं, उसके लिए आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, सिस्टम के फॉन्ट सारे यूज़ कर सकते हो आप जो भी आपके पास है। तो आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो जैसा कि आपको ठीक लगे। और आपको ये रीडू करना है तो इस तरीके से अंडू रीडू आप कर सकते हो, जो कि मैंने बताया था आपको। अंडू रीडू आप कैसे करोगे, कलर चेंज कर सकते हो, बहुत मतलब मल्टीपल आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे क्या कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, एंड ये जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे आने वाले किसी और कोर्स में या फिर चैनल पे जो ही है काफ़ी कुछ डिटेल में हर एक जो कह सकते हैं ट्रिक्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक एडिटिंग की बात करेंगे। तो अभी ये चीज़ हो गई है। अब तो गाइज अभी आप लोग टाइटलिंग करना सीख चुके हैं, एंड अब बात करते हैं आपका आगे की चीज़ों पे।
तो ये दो क्लिप्स में टाइटल डालना सीख चुके हैं। अब अगर आपको कुछ एलिमेंट्स डालने हैं तो आप एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स, तो मैं ये वाव वाला एलिमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको इसे इंस्टॉल करता हूँ। और ये देख रहे हैं आप हमारी टाइमलाइन में आ गया डाउनलोड होने के बाद। और ये आप वाव वाला एलिमेंट भी कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई अदर एलिमेंट जो भी आपको सही लगे। और जितने भी एलिमेंट्स या फिर टाइटल्स हैं आप इनको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्ट पैनल से भी, और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑन स्क्रीन से। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डॉट डॉट लिख के आ जाना, तो बस इनको आप शिफ्ट के साथ इसे आई गेस ऑल्ट के साथ करने पे ओके नहीं हो रहा, कंट्रोल के साथ होगा फिर, नहीं कंट्रोल के साथ भी नहीं हो रहा। तो ऑन स्क्रीन मैनेज करना देख लेता हूँ मैं किस बटन से होता है, क्योंकि प्रीमियर प्रो में तो शिफ्ट के साथ हो जाता है। तो आप इनको ऑन स्क्रीन ही मैनेज कर सकते हैं ऐसे माउस के थ्रू अपने हिसाब से, एंड ये आपके हिसाब से स्केल आउट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको इनको पुट करना है, जहाँ पे इनको रखना है अपने हिसाब से। एंड इनके अंदर का आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे प्लेस करना है तो आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। तो वैली अलाइनमेंट में डिलीट कर देता हूँ और ट्रांजिशन में आपको बता देता हूँ कि आप ट्रांजिशन कैसे यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको ट्रांजिशंस वाले में जाना है और ये रहा, और हम कोई भी ट्रांजिशन जो है इस दो फुटेज के बीच में रखना होता है। यहाँ से देखा एक पहली फुटेज ख़त्म हो रही है, दूसरी फुटेज चालू हो रही, तो हाँ यहाँ पे हम रख लेते हैं। और मैं ये वाला ट्रांजिशन जो है ऐसा प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं और इम्पोर्ट कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। एक मिनट, ये देखिए, तो आपको ट्रांजिशन के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना होगा इसको, और इस तरीके से आपका ट्रांजिशन बन गया। ये देखिए इतना सुंदर सा बेहतरीन सा लग रहा है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने ये वाला यूज़ करा है, डिलीट कर लेते हैं ये वाला, और उसके बाद हम ये वाला ट्रांजिशन ला के देखते हैं एक बार कि ये वाला दूसरा ट्रांजिशन कोई भी कि ये वाला किस तरीके से लगेगा। तो अभी ये वाला तो आप ऐसे तरीके से आप ट्रांजिशन भी मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। एंड दो क्लिप्स को मर्ज करने के लिए ही ट्रांजिशंस वगैरह, मतलब एक क्लिप से दूसरे क्लिप सीमलेसली जानने के लिए ही ट्रांजिशंस वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से, और टाइटल मैं आपको बता ही चुका हूँ, इफ़ेक्ट्स भी कोई यूज़ कर सकते हैं। मुझे सपोज दैट इस क्लिप के अंदर कोई इफेक्ट चाहिए, तो इस तरीके से ग्लिच इफेक्ट आ गया। वेल, मैं इसको टाइटल के अंदर डालना ज़्यादा पसंद करूँगा, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको टाइटल में अपन टाइटल में ही अपन इंसर्ट कराते हैं। ओके, तो आप देखते हैं टाइटल कैसा लगेगा। टाइटल गायब हो गया, अल्ट के साथ करता हूँ। ओके, हाँ इस तरीके से ये जो है ये इफेक्ट भी कूल लग रहा है। तो आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं पूरे क्लिप के अंदर। एंड के बाद इफेक्ट्स हो गए, ट्रांजिशन हो गए, एलिमेंट्स हो गए, बता चुके हैं। स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी आप कोई दो स्क्रीन को स्प्लिट करके डाल सकते हैं, बस आपको यहाँ पे इमेजेस फुटेजेस फेस करनी है इस तरीके से, और आपकी दोनों फुटेज स्क्रीन तैयार हो गई है। देखिए, खैर हम यहाँ पे दूसरी फुटेज ले लेते हैं, जो दूसरी फुटेज हमारी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के आप कोई दो वीडियो होते हैं ना अगल बगल चलाने हैं, तो ये एक ही स्प्लिट स्क्रीन हो गया। यहाँ पे मल्टीपल स्प्लिट स्क्रीन दे रखे हैं आपको, आप किसी भी फॉर्मेट में मल्टीपल दो से तीन स्क्रीन, चार स्क्रीन तक को लगा के चला सकते हैं। तो काफ़ी कूल सा इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, क्योंकि मुझे काफ़ी सही लगता है इसमें बने बने इफेक्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड मीडिया हो गई, ऑडियो हो गया, ऑडियो भी आप कोई भी जो अभी आपको ठीक लगे। मैं हमेशा थर्ड पार्टी ऑडियो यूज़ करता हूँ, इसके अंदर की ऑडियो नहीं यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा यूट्यूब लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे जनरली यूट्यूब के लिए वीडियो ज़्यादा बनाने होते हैं, एंड थर्ड पार्टी ऑडियो तो कोई होती होती है। फिर भी मैं आपके लिए एक ऑडियो फाइल को ले लेता हूँ, फॉर सपोज दैट ये वाली ऑडियो फाइल जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी ऑडियो फाइल जो है आ चुकी है। आप ऑडियोज़ को भी ट्रिम कर सकते हैं। ओके, आप सुन के देख लेते हैं एक बार। अभी प्ले इसलिए आवाज़ इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑडियो बंद करके रखी है, अभी आवाज़ आएगी। तो जैसे देख पा रहे हैं ऑडियो आ रही है, आप इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, ये जो लाइन दिख रही है आपको वॉल्यूम का, इसको ऐसे ड्रैग करना है और अपने हिसाब से ऐसे 10-15 डेसिबल तक कर लिया आप।
हल्की हल्की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आपको वॉइस ओवर टैग बनाना है और उसके पीछे में यूट्यूब वीडियो बना रखो, पीछे पीछे बैकग्राउंड में वॉल्यूम चलानी है हल्की हल्की सी आए और आपका जो वॉइस है वो ना दबे। तो इस तरीके के लिए वीडियोस में इस तरीके से आप वॉल्यूम कम कर सकते हो 30 dB तक, बहुत ही मिनिमल आवाज़ आएगी, बट 20 से 25 dB तो आप कर ही सकते हो। सो इस तरीके से आप अपने जो है वॉल्यूम को रख सकते हो और प्रोजेक्ट को जो भी सेव कर चाहो तो प्रोजेक्ट अपने सेव कर सकते हो। एक बेसिक से एडिटिंग वाला प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो गया है आप अपने लिए। फिलहाल तो मेरे पास कोई फुटेज है नहीं, इसमें एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं तो इस फुटेज को ही मैं अभी यूज़ कर रहा हूं। और तो यहां पे आपका काफ़ी कुछ हो गया है कवर। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट सेटिंग वगैरह क्या होती हैं। कट्स लगाने मैंने आपको बता ही दिए हैं और इधर ट्रैक्स ऐड करना बता ही चुका हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ आपको पता चल ही चुका है। तो चलिए मिलता हूँ अगले लेक्चर में।